सीएससी बिजली की तरफ से रेगुलर अपडेट, रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाते हैं या चलाने में रुचि रखते हैं, तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से आपकी समय की बचत भी होगी और साथ में ट्रांजेक्शन भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो क्या है बदलाव, हमारे देखिए आगे इस वीडियो को। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। देखिए, इस तरह से अपनी आप आईडी खोलेंगे, ये फिनो की साइट है, पार्टनर फिनो पेमेंट बैंक .in। आप इसे लॉगिन करेंगे अपनी आईडी यहाँ पर, जैसे मैं एक आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। जो भी आपका पासवर्ड है, पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए, सारे प्रोसेस आपको ऐसे ही खुल करके आ रहे हैं, जैसे बैलेंस हो गया, यहाँ पर मोबाइल, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, सब कुछ वैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर निकासी के लिए जाएंगे एपीएस से या एटीएम से या किसी अन्य सर्विस से जो है, तो देखिए मैं एपीएस के निकासी पर जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए, जब मैं निकासी के लिए ऑप्शन के लिए आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पर कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है, अब देखिए मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने 100 रुपये का निकालना है तो मैं केवल यहाँ पर आधार नंबर डाल रहा हूँ। इसके बाद देखिए, मुझे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर इसके पहले मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन हुआ करता था, जो कि वह ऑप्शन अब हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो है ट्रांजेक्शन करने में कुछ समय का बचत हो जा रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन हट गया है, तो इस सुविधा का आप लोग भी लाभ उठाएं, परेशान मत होएं कि ये चीज़ हट गई है तो हम कैसे इसको देखें। ग्राहक का जो मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड पहले से है, बैंक में फीड है, तो ओटीपी उन पर जाएगा वैसे भी, लेकिन आपको सहूलियत मिल गई कि ग्राहक से मोबाइल नंबर पूछना, उसको फीडिंग करना, और कहीं मिस हो जाने पर ग्राहक कंप्लेन करता था कि मेरे पर ओटीपी नहीं आया। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिनो पेमेंट बैंक की जो भी नवीनतम जानकारी होगी आप तक सबसे पहले मैं लेकर पहुँचूँगा। मित्रों, नमस्कार।